मैं डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप अपनी एपेटाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी बॉडी में कैसे बॉडी वेट या बॉडी मास को गेन कर सकते हैं। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये भी वीडियो एक डाल दें कि हम अपना बॉडी वेट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें अगर हमें एपेटाइट की प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि एपेटाइट जो है नॉर्मल प्रोसेस है। दैट मीन व्हाट यू वांट टू ईट और व्हाट यू आर डिजायर टू ईट, आप जो खाना चाहते हैं उसको खाते हैं, वो एक आपका एपेटाइट प्रोसेस है। बेसिकली जो एपेटाइट रहता है छोटे बच्चों में इन द स्मॉल चिल्ड्रंस एज वेल एज इन द ओल्ड एज persons, ये appetite reduce हो जाता है। Because small childrens में भी क्या रहता है, some enzymatic problems are there, कई बार उनकी body में enzyme release जो है उनका rate जो है वो slow है, जहाँ कम enzyme का release rate है, जहाँ old age में हम जब चले जाते हैं तो हमारी body की enzymatic secretion जो है वो कम हो जाती है। इसलिए वहां पे जो बॉडी वेट की चेंजेस है या बॉडी वेट का जो लॉस है या एपेटाइट का जो लॉस है वो काफी रहता है। बेसिकली जब भी किसी का एपेटाइट लॉस होता है उसको हम एनोरेक्सिया कंडीशन को कहते हैं। दैट मीन द प्रोसेस बाय विच देयर विल बी अ लॉस ऑफ एपेटाइट इन आवर बॉडी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि जो एपेटाइट है आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उसके कॉज हैं जिससे आपका एपेटाइट जो है वो रिड्यूस होता है, जो आपका भूख है वो कैसे कम हो जाता है, जहां किस किस टाइप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एपेटाइट को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी मास को गेन करने के लिए, वो मैं इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो यू मस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि जो एपेटाइट है इसमें और एक हंगरनेस में क्या डिफरेंस है। हंगरनेस क्या होता है, व्हेन एवर योर बॉडी नीड सम स्पेसिफिक सब्सटेंस व्हाट यू लाइक, जिसको आप लाइक करते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है जिसको हम हंगरनेस कहते हैं। बट जो एपेटाइट रहता है ये एक बंदे का नॉर्मल प्रोसेस रहता है जिसमें कि आप 2 times or 3 times डाइट लेते हैं इन ए डे। अब ये डिस्कस करते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट कैसे होता है। जो फर्स्ट कंडीशन रहती है लॉस ऑफ एपेटाइट की वो कई बार उन लोगों में रहता है जो सैडनेस में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में अगर आप सैड हैं, किसी से आपका जो लिंक था वो ब्रेक हुआ है, या सम बॉडी लव टू अदर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप कहीं भी किसी प्रॉब्लम को लेकर डिप्रेशन से सफर करते हैं, तो उस केस में जो भी इंसान होगा उसका एपेटाइट जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम रहती है समटाइम कैंसर्स, जैसे कि आपके जीआईटी ट्रैक में कैंसर है, स्टमक में कैंसर है, कोलोन में कैंसर है, पेनक्रियाज में कैंसर है, या कई बार फीमेल्स में ओवरी में कैंसर रहता है, तो इन कंडीशन में भी हमारा जो एपेटाइट है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार किसी को जॉन्डिस हो जाए या लिवर का इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपके लिवर में जो आपका ब्लड टेस्ट है उसमें HGOT HGPT का लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपके लिवर में इन्फ्लामेशन है, या आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, या किडनी स्टोन है, या आपका जो ESR है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कि जो आपका RBC है वो जल्दी डैमेज हो रहा है, जिससे आपका जो ब्लड टेस्ट आता है जिसमें हम ESR करवाते हैं उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप एक लॉस ऑफ एपेटाइट से सफर करते हैं, या किसी को भी कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है उस केस में भी हमारा जो एपेटाइट है वो लेस हो जाता है, हमारा बॉडी वेट लूज होता है। और उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम रहती है, इफ मेल एंड फीमेल बोथ दे आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर कोई भी इंसान जो कि हमारे यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होता है जो कि हमारा T3, T4 और TSH को रिलीज करता है, ये जो T3, T4 और कैल्सिटोनिन है, T3, T4 हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। जब भी किसी इंसान का ये T4 और T3 का लेवल जो है वो डिसरेगुलेट होता है, जहां उसका जो ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन को कम कर देता है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, उस केस में उन लोगों का जो एपेटाइट है, जो भूख है वो कम लगती है और एपेटाइट लॉस रहता है, वो एनोरेक्सिया कंडीशन से सफर करते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफस्टाइल, कुछ लोग जैसे कि स्मोकिंग करते हैं,
या कुछ ऐसी CNS स्टिमुलेंट लेते रहते हैं बार बार, जैसे कि मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि कुछ लोग बिना मतलब से कॉफी ड्रिंक करते हैं, जैसे कि ब्लैक कॉफी है, ब्लैक टी है, और विदाउट टेकिंग फूड दे इजली टेक दी ब्लैक कॉफी। वो सुबह बिना खाना खाएं स्ट्रांग कॉफी पीते हैं और स्ट्रांग ब्लैक टी पीते हैं। इन चीजों से हमारी जो एपेटाइट है वो कम होती है और हमारा बॉडी वेट जो है वो लॉस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए कि हाउ योर बॉडी लूज योर वेट एंड हाउ यू कैन सफर फ्रॉम दी एपेटाइट प्रॉब्लम लाइक एनोरेक्सिया। अब मैं आपको एक एक करके ये चीजें बताता हूं कि आप अपनी एपेटाइट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके घरों पे ऐसे बच्चे सफर कर रहे हैं तो आप उनके लिए भी एक एपेटाइट उनका एनहांस कर सकते हैं, उनका बॉडी वेट बॉडी ग्रोथ को आप इंप्रूव कर सकते हैं। जो फर्स्ट रहता है वो रहता है एक्सरसाइज और योगा। तो कभी भी कोई अडल्ट है हैविंग ए एज अबव देन 16-17 ईयर और अप टू द एज ऑफ 50-60 ईयर, तो मिनिमम यू शुड डू एक्सरसाइज एटलीस्ट 30-40 मिनट पर डे। आपको 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज किसी भी टाइप की आप कर सकते हो। मे बी आप स्लो वॉक कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, या आप कोई भी अपने घर पे चटाई वगैरह लेके उस पे बैठ के या लेट के किसी भी टाइप की आप एक्सरसाइज जो है या योगा जो है आप परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो उसका जो आपका कैलोरीज है बॉडी का वो यूज होता है। जब आपकी बॉडी की कैलोरी यूज होती है तो आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक सिक्रीशंस बढ़ती हैं, और जब भी आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक सिक्रीशन है जो आपके स्टमक में होती है, जैसे कि पेप्सिन है, गैस्ट्रिन है, आपके माउथ में सलाइवा में सेल्वरी अमाइलेज रहता है, जब ये सिक्रीशन आपकी बढ़ती है उससे आपका एपेटाइट जो है वो इम्प्रूव होता है, आपकी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। जो सेकंड रहता है ईट ए लिटल और लेस बट फ्रीक्वेंटली। आपको कम खाना चाहिए बट फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए कुछ टाइम के बाद। जैसे कि कुछ लोग डायबिटीज से सफर करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अगर आप सुबह दोपहर शाम को खाना खा रहे हो तो उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, उस खाने को चार पार्ट में डिवाइड करना चाहिए ताकि आपका ब्लड में इमीडिएट ग्लूकोज जो है वो राइज ना करे। तो इसलिए कभी भी आप अपना बॉडी वेट गेन करना चाहते हो, जहां आप अपने लिवर को इम्प्रूव करना चाहते हो, जहां आप अपनी एपेटाइट को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप कम खाना खाएं एक टाइम पे, बट उसको 2-3 घंटे के बाद रिपीट करें। उससे क्या होगा, आपका जो एपेटाइट है वो इम्प्रूव हो जाएगा और जो आपका लिवर है वो इजिली जो आपने खाया हुआ है उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये रहता है सेकेंड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट रहता है कि जो आप खाना खा रहे हैं वही खाएं जिसको आप लाइक करते हैं। सो मोस्टली क्या रहता है, कई बार हम खाने के बाद स्वीट डिश लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग रसगुल्ला ले लेते हैं, कुछ आइसक्रीम ले लेते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट आल्सो। अगर विंटर है तो आप ठंडा नहीं खा सकते, अगर गर्मी है तो उसमें आप ठंडा खाते हो, आइसक्रीम वगैरह लेते हो। तो ऐसी चीजों को आप आफ्टर डाइट पोस्ट मील जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम पोस्ट मील के बाद कुछ स्वीटनर्स लेते हैं, चाहे वो चीनी है, चाहे आपके घर पे चीनी के साथ आपने फेनल जिसको हम सौंफ कहते हैं उसको मिक्स किया हुआ है वो ले सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या रहता है, अगर आप चीनी के साथ फेनल को सौंफ को मिक्स करते हैं तो उसमें आपकी एंटा एसिड भी प्रॉपर्टी है, आपकी गैस्ट्रिक एसिडिटी को वो कम करता है और आपका जो स्टमक है उसकी फ्लैटुलेंस जिसको हम अफारा कहते हैं उसको भी कम कर देते हैं। तो ऐसे स्वीटनर्स अगर आप खाने के बाद लेते हैं तो आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट कुछ रहता है एपेटाइट एनहांसर्स, वो सबस्टांस जिनको लेने के बाद आपका जो एपेटाइट है जो आपकी भूख है वो बढ़ सकती है। जैसे कि अगर आपने कॉमनली देखा हो तो बच्चों के लिए जिंक सिर्फ आते हैं उसमें जिंक होता है। तो जिंक दो कंडीशन में दिया जाता है, अगर तो कोई भी बच्चा है उसके जो खाना है वो प्रॉपर नहीं ले रहा, या कोई भी बच्चा वो लूज मोशन से सफर करता है। तो कई तरह की कुछ मेडिसिन रहती हैं, बट मोस्टली अगर आप देखें तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट भी करें ताकि आप जो है उसको प्रॉपर जो सुजेस्ट करते हैं उस टाइप की मेडिसिन आप ले पाए। इसलिए जो जिंक का सिर्प रहता है ये कॉमनली दिया जाता है, और अडल्ट्स के लिए बड़े जो रहते हैं लोग, बच्चे हैं या अडल्ट हैं या ओल्ड एज हैं, उसके केस में जिंक की टेबलेट भी रहती हैं। सो ये जिंक टेबलेट जो है आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करती हैं।
अगर उसके बाद हम बात करें तो जो हमारा रहता है मल्टी विटामिन्स, विटामिन बी, जो B12 है, विटामिन B3 है, विटामिन B1 है, ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए हमें कभी कभार वीकली मल्टी विटामिन लेना चाहिए। बट अगर आप किसी हाइपरटेंशन से या बीपी की प्रॉब्लम से सफर करते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जो कॉमन आप घरों पे कर सकते हैं वो क्या है कि आप लेमन यूज निकाल लें सुबह। लेमन को आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेके एक ग्लास, उसमें लेमन डाल लें। अगर लेमन नहीं है तो आप विनेगर डाल सकते हैं, जिसको आप सिरका कहते हो, एक चम्मच सिरका डाल लो एक ग्लास पानी में। या अगर वो भी नहीं है तो आप आंवला का जूस निकाल सकते हो अपने घर पे, जहां मार्केट में आंवला का जूस आता है उसको ले सकते हो। एक चम्मच एक ग्लास में, चाहे लेमन जूस है, चाहे आपका सिरका है, विनेगर है, चाहे आपका आंवला जूस है, उसको डाल के थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दें और उसको आप ले लें। उससे आपका मॉर्निंग टाइम बिना खाए ये लें, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो सकती है। उसके बाद क्या रहता है, एक सिंपल और फॉर्मूला रहता है जिसमें हम 100 mg, जो 100 mg के आसपास, 100 से 200 mg भी ले सकते हैं आप, ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च कहते हैं वो ले लें। साथ में हाफ टेबल स्पूनफुल, आधा चम्मच आप क्या लें, लेमन जूस ले लें और उसके साथ थोड़ा सा 1/5 teaspoon जो है वो काला नमक ले लें। उसमें क्या करेंगे, आप तीनों को मिक्स करें, एक काली मिर्च को, साथ में लेमन को और साथ में ब्लैक सॉल्ट को मिक्स करके एक ग्लास लिटिल वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसमें डाल लें और सुबह उठते इसको ले लें, जिससे आपका लिवर की सेक्रीशन जो है, लिवर की जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में एपेटाइट जो है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कोरिएंडर जूस। तो कोरिएंडर जो रहता है, धनिया रहता है, उसके लीव्स ले रहे हैं आप। धनिया कॉमनली आप लेते हैं जब भी सब्जी लेने जाते हैं, तो कोरिएंडर के लीव्स का आप क्या करें, जूस निकाल लें और हाफ ग्लास ऑफ दैट यूज यू कैन मिक्स विद 1 glass ऑफ वाटर एंड यू कैन ड्रिंक 2 times इन ए डे। वो भी आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद हमारे पास जैसे कि फेनल है, जिसको हम सौंफ कहते हैं, सौंफ को थोड़ा सा पानी में बॉइल करके उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें, वो लें, तो उससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फेनल, जिंजर, ऐसी ग्रीन टीज भी आती हैं, तो नेचुरल ग्रीन टी को आप यूज कर सकते हो फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ योर डाइजेशन एंड फॉर गेनिंग योर मसल मास। उसके बाद कुछ कॉमन चीजें रहती हैं, इवियोन कैप्सूल्स आते हैं, तो इवियोन कैप्सूल्स को हम फिश लिवर ऑयल भी कहते हैं, गांव में लेमन लैंग्वेज में मच्छी का तेल भी कहते हैं। ये जो इवियोन कैप्सूल आते हैं 200, 200 और 400 डोज में जो रहते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं माइक्रोग्राम में। तो इनका जो इवियोन कैप्सूल्स हैं, ये भी आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दे रिड्यूस द बैड फैट इन योर बॉडी एंड दे इम्प्रूव द लिवर हेल्थ। तो इवियोन कैप्सूल बहुत अच्छे रहते हैं, आप इनको भी ले सकते हो। उसके बाद कुछ मेडिसिन सिर्प रहती है, अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो कुछ सिर्प ले सकते हो, जैसे कि LIV52DS आता है, एक LIV52 सिंपल आता है लिवर के लिए, दूसरा LIV52DS में आता है डबल स्ट्रेंथ। आप उसका 1 to 1.5 जो टीस्पून है, चम्मच है, उसको पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हो। उसके बाद एपीजेस्ट सिर्प आता है, आपकी एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, लिवर एक्स रहता है, फिट लिवर रहता है, सो मेनी काइंड ऑफ दी लिवर सिर्प्स आर अवेलेबल इन मार्केट। और साथ के साथ हमारे पास कुछ कैप्सूल्स आते हैं या टेबलेट आते हैं, जिनको हम जिंकोविट कहते हैं, ये मल्टीविटामिन फॉर्म में भी आती है, इनमें जिंक होता है, तो जिंक आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये मैंने आपको जो बताया, इसको आप मेथड्स को यूज कर सकते हो और अपनी डाइजेशन को क्या इम्प्रूव कर सकते हो। होप यू लाइक, वॉच एंड शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियो एंड यू मस्ट सब्सक्राइब SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच।